कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसका प्रेम जब सामने होता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता। ऐसा ही देखने को मिला आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब रेलवे ग्राउंड पर पहुंचे, जहां पर चल रही थी क्रिकेट प्रतियोगिता। सामने बैट और बॉल देखकर सिंधिया खुद को ना रोक पाए और पहले तो आयोजकों एवं दर्शकों से देरी से आने पर माफी मांगी। उसके बाद जो उन्होंने बैट उठाया तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि किस कदर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट से प्रेम करते हैं। वहीं 3 बार आउट हो जाने पर भी उन्होंने 1 बार को कई बार खेला, वहीं लंबे शॉट भी लगाए। सिंधिया के इस रूप को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सिंधिया के ऊपर इतना भार होने के बावजूद भी जिस तरह से वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई परिपक्व क्रिकेट का खिलाड़ी ही खेल रहा हो। जिस तरीके से वह पिच पर बैट को पकड़े हुए थे, उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि सिंधिया एक बहुत बड़े राजनेता हैं, ऐसा लग रहा था वे एक खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता में आकर मुझे बड़ी खुशी है। स्पोर्ट्स और खेलकूद के क्षेत्र में जितना समय मुझे मिले, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़े विलंब में मैं पहुंचा हूं। बहुत सारे लोग थे जनसंपर्क के लिए और क्रिकेट के ग्रेम का आनंद लेने का जब भी मौका मुझे मिलता है, मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उस मौके का इंतजार करता हूं। मुझे आज कहा गया है कि इंदौर और गुना की टीम के बीच में प्रतियोगिता हो रही है। मैं दोनों टीमों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये भी विश्वास गुना के हमारे खेल जगत के प्रेमियों को देना चाहता हूं कि जो स्टेडियम की कल्पना मैंने की थी गुना के लिए, नवीन स्टेडियम, और 4 साल से प्रदेश सरकार ने उसे कोरे कागज के बिस्तर में डाल के रखा था, उस स्टेडियम की स्वीकृति हमारे सरकार बनते ही 3 हफ्ते में हमें मिल गई है। चलो, कैसे बैटिंग चल रहा है, विकेट कैसा है, बाउंस है? अरे यार, जो खिलाड़ी यार, स्टेडियम बनने जा रहा है, युवाओं के लिए नया खेल की क्षमता प्रोत्साहन भी मिलेगी। 15 करोड़ का स्टेडियम बनने जा रहा है।